वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ये है ऑप्शन सीरीज में मेरा नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी रिलेटेड टू ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है, एंड रिलेटेड टू ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, कि बेसिकली अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपका क्या चांस है मार्केट में पैसा कमाने का, अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपका क्या चांस है पैसा कमाने का। तो मैं फटाफट एक मिनट में आपको एक समरी दे दे रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑप्शन को बाय करते हो तो बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी है 20-30% पैसा कमाने की, बट अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो आप 70-80% जो है मार्केट में पैसा कमा सकते हो। राइट, आई होप आपने वो वीडियो देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी ऑप्शन सीरीज प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब पे एंड उन वीडियोस को देख लीजिए। अब बहुत सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन ही आता है कि चलिए ठीक है, हमको मालूम भी चल गया कि हमें ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं मिलेगा, तो नेक्स्ट ये आता है कि हम स्ट्राइक प्राइस कौन सा लें। ठीक है, तो एक बहुत ही एक सिंपल सी मेरी ऑब्जर्वेशन रही है बेस्ड ऑन जो ट्रेड्स करते आ रहे हैं, बेसिकली कोई भी ऐसा स्ट्राइक प्राइस, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में बात करते हैं कि बैंक निफ्टी से रिलेशन में हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिसका प्रीमियम 100-150 रुपये के बीच में है तो वो स्ट्राइक प्राइस जो है वो आइडियल है ट्रेड करने के लिए, चाहे वो ऑप्शन बाइंग के केस में फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग के केस में कर रहे हो, यानी अगर आप बाय कर रहे हो तो भी 100-150 वाला जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा हो, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा हो वो स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड अगर आप सेल कर रहे हो तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस में आपको 100-150 का प्रीमियम मिल रहा हो वो आप ले लीजिए। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने निफ्टी को 11,100 पुट को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे वही स्ट्राइक प्राइस लिया जो 100-150 के बीच में है। सेकेंड, मैंने बैंक निफ्टी के भी जो दो अलग अलग ट्रेड्स हैं वो लिए हुए हैं, वन इज 21,000 का पुट शॉर्ट किया सेप्टेम्बर का एंड 10th of September में 22,500 का पुट शॉर्ट किया, दोनों में अगेन प्रीमियम जो है वो 100-150 के बीच में ही है। द रीज़न बीइंग कि अगर आप फॉर एग्जांपल शॉर्ट करके चल रहे हो, अगर आप शॉर्ट करके चल रहे हो तो जब आप 100-150 के प्रीमियम पे बात करते हो तो क्या होता है, आपका जो स्ट्राइक प्राइस आपको मिलता है वो बेसिकली फार आउट ऑफ मनी में मिलता है। OTM मैंने आपको बताया था, फार आउट ऑफ मनी मीन्स आउट ऑफ द मनी में भी और मतलब और बाहर का, अगर आपका कोई स्टॉक है जो 100 रुपये पे चल रहा है और 110 अगर उसका ATM है, 120 इसका OTM है, तो यहाँ पे शायद मैं 130 या 140 की बात कर रहा हूँ, यानी कि फार आउट ऑफ द मनी। तो उसी के रिलेशन में, बैंक निफ्टी के रिलेशन में यही समझिए कि फार आउट ऑफ द मनी में जब आप सेल करोगे और आपको 100-150 का प्रीमियम मिल रहा है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है बहुत ही हाई हो जाने वाली है, बिकॉज आप फार आउट ऑफ द मनी काम करोगे, आपको एक डिसेंट प्रीमियम मिलेगा। पोजिशनल ट्रेड में अगर बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली 1,00,000 रुपये की जो है आपकी बैंक निफ्टी में मार्जिन कटेगा एंड 100-150 पॉइंट, यानी मिनिमम अगर 100 पॉइंट को भी पकड़ूँ तो 2,500 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी कि 2.5% का आपको इसमें प्रॉफिट होता है। और अगर इंट्राडे में बात करें, 100-150 रुपये प्रीमियम पे आप बात कर रहे हैं, बिकॉज इंट्राडे है ऑफकोर्स शॉर्टिंग के लिए बात हो रही है, प्लीज़ इसको याद रखिए, अभी मैं शॉर्टिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। पहले अगर 100 रुपये का प्रीमियम आपको मिल रहा है और आप शॉर्ट कर रहे हो और अगर ये 50 रुपये पे भी बंद हो जाता है तो डेफिनेटली जो है आप 1,250 रुपये एक दिन में लेके आते हो, बट देन द थिंग इज यहाँ जो मार्जिन है वो खाली 25,000 रुपये होता है। तो अब अगर आप इसको परसेंटेज के टर्म्स में निकालोगे तो यू आर मेकिंग अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट एंड यहाँ पर भी जो प्रॉफिट हो रहा है 2.5% प्रॉफिट अगर आपको 1,00,000 रुपये पे हो रहा है इन वन मंथ, आप सिर्फ ये सोचिए अगर आप कंसिस्टेंटली 2.5% भी हर महीना कमा लेते हो तो एक साल में आपका 1,00,000 रुपये कहाँ पहुँच जाएगा, 2 साल में आपका पैसा कहाँ पहुँच जाएगा। सो बीइंग कंसिस्टेंट इज द की, ऐसा नहीं है कि एक महीना आपने 2 कमाया, अगले महीना 2% गवा दिया, देन 6% कमाया, देन 2.5-3% गवा दिया, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर प्रॉफिट, तभी जो है पैसा जुड़ता जाएगा। तो ये एक बहुत ही जनरल सा रूल मैंने आपको बताया कि अगर 100-150 के बीच में रेंज आपको मिल रही है प्रीमियम की तो डेफिनेटली आपको वही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। अब बाइंग के केस में क्या होगा, मान लो आप 100-150 रुपये का प्रीमियम दे रहे हो तो ये प्रीमियम जो है आपको कोशिश करनी है आप तब लो जब आप थोड़ा सा एट द मनी के पास हो,
यानी फॉर एग्जांपल मंथ की स्टार्टिंग में अगर बैंक निफ्टी का जो रेट है वो 25,000 चल रहा है, ठीक है, और आप 27,000 की कॉल में ये देख रहे हो कि वहाँ पे जो प्रीमियम है वो 100 to 150 है, तो बेसिकली ये ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज बैंक निफ्टी हर महीना 2,000 पॉइंट्स की रैली दे ये ज़रूरी नहीं है। तो उस केस में मैक्सिमम टाइम्स आपका जो है यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप 25,000 के बाद, फॉर एग्जांपल मंडे चल रहा है यहाँ पे जब हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आप वीकली एक्सपायरी में जाइए एंड वीकली एक्सपायरी में कोई ऐसा प्रीमियम ढूंढिए 100 से 150 की रेंज का, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड ऑफ कोर्स फिर उसको टेक्निकली थोड़ा एनालाइज करके कि बैंक निफ्टी कब जो है एक सडन एंड शार्प मूव दे रही है, बाइंग के केस में बात हो रही है, सडन एंड शार्प मूव जो मैंने आपको पिछले में बताया, दो ही कंडीशन है, द मूवमेंट हैज़ टू बी वेरी फास्ट, ठीक है, एंड इट हैज़ टू बी इन योर डायरेक्शन, ठीक है, नीचे नहीं जाना चाहिए। तो वो एनालिसिस अगर आपका फिट बैठ रहा है तो वीकली एक्सपायरी में 100 से 150 का प्रीमियम उठा लीजिए, ये मोस्ट प्रोबेबली एट द मनी होता है या OTM होता है बट वेरी क्लोज टू ATM, मीन्स अगर 25,000 की बात चल रही है तो शायद 25,200 या 25,300 के आसपास में आपको ये प्रीमियम इजीली मिल जाए। तो 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी जो रैली है वो सिंगल डे में भी देने के लिए बहुत केपेबल है। तो इस तरीके से आपको ये सेलेक्ट करना है कि जस्ट बिकॉज आपको मंथली में 100 का प्रीमियम मिल रहा है बट 2,000 पॉइंट्स है तो वो मत लीजिए, अगर आप बाइंग साइड में कर रहे हैं तो वीकली में आ जाइए। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप सेलिंग कर रहे हो एंड फॉर एग्जाम्पल यही केस है कि वो 25,000 चल रहा है एंड 100 से 150 का प्रीमियम 27,000 है, तो डेफिनेटली आप इसी को लीजिए बिकॉज इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट आने की मैक्सिमम है, बिकॉज 2,000 की रैली बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली एक महीने में देर इज़ अ बिग चांस कि शायद वो नहीं देगा, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको 150 पॉइंट या 100 पॉइंट जो भी मिल जाते हैं तो डेफिनेटली ये अगले 15 दिन में ही जो है खाली 25 से 30 रुपये बचेगा, आपको पूरा ज़ीरो होने की वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। 100 रुपये पे भी ले रहे हो तो ईजिली आप 75 पॉइंट्स बुक कर सकते हो इनटू 25 जो कि इसका लॉट साइज है, तो ये 1500 रुपये बनता है एंड इट इज़ गुड इनफ। 1.5% अगर आपको 10 से 15 दिन में मिल रहा है, 20 दिन में मिल रहा है, इट इज़ गुड इनफ। उसके बाद आप वीकली में जा सकते हो और एक दूसरा ट्रेड फिर से ले सकते हो। सो डोंट बी ग्रीडी गाइज, कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करिए, कंसेप्ट को सीखिए, ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब कंसेप्ट मिल रहे हैं, जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगे। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक गुड यूज़ ऑफ दिस, बी कंसिस्टेंट इन द मार्केट एंड दैट इज इट। 2-3 महीना कंसिस्टेंट पैसा कमा के देखिए, जो पैसा डबल ट्रिपल करने का लालच है वो आपके मन से निकल जाएगा एंड आपको समझ में आएगा कि कंसिस्टेंट रहना ही मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हो द बिगेस्ट थिंग दैट यू गेन इज़ योर कॉन्फिडेंस। जब आपका कॉन्फिडेंस आता है तो आपको ये ईजिली समझ में आता है कि मार्केट में जो मेन चीज़ है ग्रीड एंड फियर, इन दोनों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बैलेंस करना है। जब आपको ये कंसेप्ट पकड़ में आ जाएगा देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेनिंग बिग प्रॉफिट। सो प्लीज़ गाइज बी कंसिस्टेंट इन द मार्केट, छोटे छोटे प्रॉफिट कमाइए लेकिन कंसिस्टेंटली कमाइए, स्टॉप लॉस भी रखिए, स्टॉप लॉस रख के काम कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम आई सी यू इन वन मोर वीडियो एंड उस वीडियो में मैं अब यहाँ से जो है थोड़ा टेक्निकली जो है ऑप्शंस को अप्रोच करूँगा एंड हम अब नेक्स्ट टॉपिक में जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक वहाँ पर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शंस। प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई राइटिंग, आई एम राइटिंग ऑन अ पेन पैड, ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शंस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। अगर आपका कोई भी डाउट या कुछ भी सजेशन है, फीडबैक है, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, इस वीडियो के बॉटम में भी डाल सकते हो एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज़ गिव सम लाइक्स टू दिस वीडियो, गिव इट एटलीस्ट 25 लाइक्स, कीप मी मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोज़ फॉर यू। आई एम शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू। Until next time guys, see you, have a good night, bye bye.